दोस्तों G20 से पहले एक बहुत ही बड़ी इवेंट होते हुए देखने के लिए मिली है और सबसे मजेदार बात यहाँ पर देखने के लिए ये मिली है कि टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगान को पहली बार अपनी हैसियत का पता चला, यानी वो कुछ समय से अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट कर रहे थे कि मानो रशिया के वो गॉडफादर हों और उनके कहे अनुसार रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कोई भी कदम उठा सकते हैं। अभी बीच में एक ग्रैंड डील करवाई गई थी जो कि ब्लैक सी से संबंधित थी, हम सभी जानते हैं इसके बारे में। इसमें कुछ हद तक मध्यस्थता टर्की की तरफ से की गई थी और इसी बात को आधार बनाकर वो अपने आप को एक बहुत ही बड़ी हस्ती समझने लगे थे और मन में कई सारी गलत फहमियां इसको लेकर पाल रखे थे। लेकिन अब कुछ ऐसी घटनाएं घटित एक्चुअली हो चुकी है जिसके बाद उन्हें एहसास हो गया होगा कि उनकी वैल्यू रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मन में क्या है या रशिया के लिए टर्की की अहमियत क्या है, चाहे फिर आपने S-400 क्यों ना खरीद लिए हो। चलिए आगे जानते हैं कि एक्चुअली क्या मुद्दा निकल कर आया है। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये बात हम सभी जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन पूरी दुनिया को खाद्यान्न आपूर्ति के मामले में कुल 33% का योगदान रखते हैं। बड़ी मात्रा में ये लोग गेहूं का प्रोडक्शन करते हैं और उसके बाद दुनिया भर के अलग अलग देशों में इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखकर रशिया के द्वारा यूक्रेन के ऊपर ये युद्ध शुरू किया गया था। देखिए जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू किया गया था उससे पहले ही कुछ चीजों को लेकर रशिया की तरफ से तैयारियां कर ली गई थी, जैसे कि एक तो खाद्यान्न हो गया और दूसरे हो गए एनर्जी सोर्सेस, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रशिया यूरोप में बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल, गैस और कोयले वगैरह की सप्लाई करता है, कई देशों को बिजली सप्लाई करता है। इसके अलावा रशिया यूक्रेन मिलकर दुनिया को 33% खाद्यान्न आपूर्ति करते हैं। तो इन सारी चीजों को ब्लॉक करने की तैयारी रशिया के द्वारा पहले ही कर ली गई थी और रशिया ने इन्हीं दो वेपन्स के जरिए इस युद्ध को शुरू किया था ताकि पश्चिमी देश यूक्रेन का समर्थन न कर पाए। रशिया अपनी जिन मांगों को चाहता है उन सारी मांगों को इन दो वेपन्स के जरिए पूरी करवा ले। अब ऐसी परिस्थिति में मान लीजिए कि रशिया का तेल, गैस, कोयला वगैरह सारी चीजें मार्केट में आने लगी, उसके अलावा गेहूं वगैरह भी रशिया यूक्रेन दोनों की तरफ से इंटरनेशनल मार्केट में आने लगा, तो किसी बात का कोई क्राइसिस रह ही नहीं जाएगा। उसके बाद रशिया की वैल्यू खत्म हो जाएगी, रशिया के पास कोई विकल्प ऐसा रहेगा ही नहीं, ऐसा कोई वेपन रहेगा ही नहीं जिससे कि वो पश्चिमी देशों को अपने सामने झुका सके। तो ऑब्वियसली इन दोनों चीजों की सप्लाई को ब्रेक करना ही रशिया का सबसे बड़ा मकसद था जिसके जरिए वो नेगोशिएशन कर सकता था। और इसी की तैयारी के लिए जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ उससे पहले ही ब्लैक सी को रशियन नेवी ने पूरी तरह से घेर लिया था और पूरी इस बात की तैयारी कर ली थी कि यूक्रेन तक ना तो कोई पहुंच सकता और ना ही किसी को यूक्रेन से बाहर पहुंचने देंगे, अल्टीमेटली सारी सप्लाई चेन बीच में बाधित कर दी जाएगी। इसके बाद कुछ चीजें ऐसी देखने के लिए मिली, जब भी यूक्रेन की तरफ से गेहूं को एक्सपोर्ट किया जाता था उनके ऊपर अटैक किया जाता था रशियन नेवी द्वारा और उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। स्थितियां यहां तक की आ गई कि यूक्रेन के अंदर जो अनाज के गोडाउन वगैरह थे, जो खेत वगैरह थे उनके जहां पर गेहूं लगे हुए थे, इन सभी को भी रशियन फोर्सेस द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अल्टीमेटली बात वही थी कि दुनिया के अंदर खाद्यान्न का संकट पैदा हो, उसके बाद सारे देश मिलकर रशिया के सामने गुहार लगाए, रशिया अपना नेगोशिएशन इस बीच करवा ले। हालांकि बीच में कुछ ही समय के लिए ग्रेन डील को कर लिया गया था और इस दौरान यूक्रेन का माल बाहर डिस्ट्रीब्यूट होने लगा, लेकिन इसके बाद जब रशिया को समझ में आ गया कि इससे हमारा फायदा नहीं है, इस वजह से उन्होंने ये ग्रेन डील वापस से तोड़ दी और स्थितियां वापस पहले की तरह हो गई है। इसके अलावा भारत जैसे जो बड़े सप्लायर थे जो गेहूं और चावल को बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया करते थे, उन्होंने भी एक्सपोर्ट वगैरह पर बैन लगा दिया। तो वर्ल्ड के अंदर जो क्राइसिस है वो एक चरम तक पहुंच चुका है। इसके अतिरिक्त अभी कुछ ही समय पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टर्की के अंदर एक बहुत बड़ी और अजीब घटना हुई है और वो ये थी कि जहां पर गेहूं का गोडाउन था, बड़े बड़े सिलोज बने हुए थे जिनके अंदर हजारों मेट्रिक टन गेहूं भरा हुआ था, इनके अंदर सडनली ब्लास्ट हो जाते हैं और बहुत सारा गेहूं जो कि टर्की के लोगों को कई समय के लिए जरूरतें पूरी कर सकता था, वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। आपको याद होगा शायद एक महीना पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर दिया भी था। तो अल्टीमेटली टर्की के पास गेहूं की समय काफी ज्यादा दिक्कतें आने वाली है। इसके अतिरिक्त भारत से वो गेहूं की डिमांड कर सकता था, लेकिन कुछ ही समय पहले की बात है जब भारत की तरफ से टर्की को गेहूं भेजा गया था तो टर्की द्वारा भारत की गेहूं को डिफेम करने के लिए ये कह दिया गया था कि इसके अंदर तो वायरस वगैरह मौजूद है और ये खाने योग्य है ही नहीं। हालांकि उनके सारे दावे फेल निकले थे क्योंकि अलग अलग लेबोरेटरीज में ये टेस्ट वगैरह हुए थे, लेकिन अल्टीमेटली उसने जो भारत का दरवाजा था वो पहले ही बंद कर रखा था। ऐसी स्थिति में टर्की के ऊपर काफी ज्यादा दबाव था कि वो रशिया के साथ बातचीत करके ग्रीन डील को वापस से बहाल करवाए जिससे कि दुनिया के साथ साथ टर्की की भी डिमांड्स पूरी हो पाए गेहूं के मामले में, क्योंकि टर्की के अंदर काफी गंभीर स्थितियां जनरेट हो चुकी है। गेहूं तो बर्बाद हो ही गया है, उनकी करेंसी लीरा भी काफी डाउन हो गई है, आर्थिक स्थिति भी चरमरा सी गई है, इन्फ्लेशन काफी बढ़ गई है। तो ऐसी परिस्थिति में ग्रीन डील वापस से बहाल होना ये टर्की के लिए भी फायदे का सौदा था।
इस वजह से दोस्तों टर्किश राष्ट्रपति एर्दोगान ने रशिया की विजिट पर जाने की तैयारी की और फाइनली वो रशिया की विजिट पर जाते हैं और वहां पर व्लादिमीर पुतिन से मिलकर ग्रैंड डील को लेकर वो उनका आश्वासन चाहते हैं। यानी पुतिन से अनुरोध किया गया कि ग्रैंड डील को आप वापस से बहाल कर दीजिए। और टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने रशिया जाने से पहले मीडिया को जो बातें बताई वो अगर आप सुन लेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये तो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। हर मीडिया हाउस को उन्होंने यही कहा कि देखिए मैं जा रहा हूँ, सारा मामला सुलझा दूंगा, ग्रैंड डील में रशिया को वापस ले आऊंगा, ये मेरी गारंटी, ये मेरी जवाबदारी, इस तरह की काफी बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कर दी। लेकिन दोस्तों रिसेंटली खबर निकल कर आ रही है कि पुतिन ने स्पष्ट कह दिया है कि जब तक हमारे ऊपर सैंक्शंस कम नहीं किए जाएंगे तब तक हम लोग ग्रीन डील में वापस नहीं आएंगे। यानी ब्लैक सी के रास्ते आप यूक्रेन का गेहूं इंटरनेशनल मार्केट में नहीं उतार सकते। अल्टीमेटली पुतिन की तरफ से कह दिया गया है कि जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी तब तक तो हम इस ग्रीन डील में वापसी के लिए सोच भी नहीं सकते। फिर इसका दुनिया के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े पॉजिटिव पड़े वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन हम ब्लैक सी ग्रीन डील को वापस से बहाल नहीं करने चाह रहे हैं। और पुतिन द्वारा कही गई ये बात मैंने आपको बड़ी आसानी से बता दी, जबकि उनका जो लहजा था या जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात कही वो बिल्कुल एक चेतावनी जैसी थी। और सारे मीडिया हाउस एक्चुअली चेतावनी शब्द का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल चेतावनी देते हुए ही उन्होंने कहा है कि जब तक पश्चिम के देश हमारी डिमांड्स पूरी नहीं करेंगे, जो हमारे ऊपर सैंक्शंस वगैरह लगे हैं उनमें राहत नहीं देंगे, यूक्रेन को मदद पहुंचाना कम नहीं करेंगे, तब तक हम लोग इस ग्रैंड डील में वापसी नहीं करने जा रहे हैं और ये ग्रैंड डील पहले की तरह वापस शुरू नहीं हो सकती। फिर चाहे आपको भूखो मरना है मर जाइए, वो आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम भी समझ सकते हैं कि पुतिन के पास एकमात्र यही एक वेपन बचा है जिसके जरिए वो दुनिया को झुका सकते हैं। तो वो अपना वेपन ऐसे ही तो अपने हाथ से जाने नहीं देंगे, चाहे टर्की फिर कुछ भी आगे बीन बजा ले। तो कहने का मतलब टर्की के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता, शायद वो अपनी नाक खटवाकर भारत से ही गेहूं के लिए डिमांड करे। वैसे मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, अगर टर्की भारत से गेहूं मांगता है तो क्या हमने इन्हें देना चाहिए या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।